गॉड तानिया कि वो बच गया। तुझे पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी, पूरी रात नींद नहीं आई है मुझे। अच्छा वैसे पता चला क्या राजीव गिरा कैसे वहां से? नहीं यार, पर सुनने में आया है कि उसकी सर्जरी होने के बाद ही पुलिस इंट्रोगेशन करेगी, तभी कुछ पता चलेगा। तू ना इतना टेंशन मत लिया कर। सुन, आज ना क्लाइंट को वेन्यू दिखाने के बाद ना हम मूवी चलते। सिद्धार्थ मल्होत्रा को देख के ना तेरा मूड ठीक हो जाएगा। आज नहीं तानिया, मैं आज मूवी देखने नहीं आ सकती। भूल गई ना तू, अगस्त्य आ रहा है शाम को, मुझे उसे एयरपोर्ट पिक करने जाना है। और तू देखना, मैं ना एकदम इंडियन नारी बन के जाऊंगी। आज हमेशा कहता रहता है ना कि मैं इंडियन में ज्यादा अच्छी लगती हूँ, इंडियन में ज्यादा अच्छी लगती हूँ, तो आज झुमके, हाथ की चूड़िया वूड़िया सब, और खास करना पायल, जिसकी आवाज से उसे बहुत इरिटेशन होती है। अच्छा चल बाय, आई हैव टू गेट रेडी, आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है बाय। और ये कौन सी कंट्री में आता है? नाइजीरिया। तो हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? जेन्युइनली फनी कंटेंट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो मैंने सोचा क्यों ना इस फैमिली डे पर अपने सिली श्रीवास्तवों के साथ लाइव चली जाती हूँ, मुझे कुछ कंटेंट मिल जाएगा यू नो मेरे फॉलोअर्स के लिए। हाउ नाइस। हाँ मैं भूल गई, तू तू इन्फ्लुएंसर टाइप बन गई है ना। वैसे कितने फॉलोअर्स है तेरे? 2000? नॉट बैड, कीप इट अप। I'm sure, जब काइली जेनर के 2000 फॉलोअर्स थे ना, तब उसकी बहन ने उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा। वही तो फर्क है मुझ में और काइली जेनर में। देख, वो अपनी बहन का मजाक नहीं उड़ाती थी, और मैं मेरा तो फेवरेट पास टाइम ही तू है। Excuse me, like why? Because I was born first. No, because you're the worst. शनाय तेरी तो भाग जा मेरे रूम से। मैंने कहा भाग जा मेरे रूम से। Out. तो यार समझ में नहीं है। तो इस फैमिली टूर को हम स्टार्ट करेंगे इस घर के क्रॉसवर्ड मास्टर से। पापा मुझे दिखाइए। मैं रात भी हूँ और अकेली भी। ख और श के बीच का ब्लॉक क्या हो सकता है? वो खामोश खामोश खामोश। बिल्कुल मेरे डैडी की तरह। इन्हें लगता है कि अगर ये ज्यादा बात करेंगे तो पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, इसीलिए ज्यादा बात नहीं करते। वैसे इनका नाम है समीर, और इन्हें कोई भी हवा का झोंका नहीं बुलाता। मम्मी ब्रेड पे बटर लगा दिया। देखिए इन्हें, इसी खूंखार औरत ने उस बेचारे मासूम आदमी की आवाज छीन ली थी। चक्का लगा दूं तुझे गरम पैन का, फिर तेरी भी आवाज छिन जाएगी। कितनी बार तुझे कहा अपनी बहन की तरह बन, ये इस मोबाइल में मत घुसिरा कर। इन्हें लगता है उनकी बात मत सुनो, छोड़ो आप। और ये है मेरा कजिन मोहित, कोडिंग जीनियस। ऐसे इसकी सेटिंग दो दो गर्ल्स के साथ चल रही है। तुझे पता है ना बिना परमिशन शूट करना क्राइम है। बस ऑफ। और ये मेरे चाचा जी, लाइव लाइव हूँ मैं। लाओ भाई, इतना इंट्रोडक्शन हम खुद देंगे एकदम चकाचक। मैं हूँ अनूप श्रीवास्तव, बॉर्न 2 जुलाई 1976 इन बर्नाला, पास बीटेक फ्रॉम बर्नाला पॉलिटेक्निक इन 92 एट द टेंडर एज ऑफ 22। और मैं क्या कहता हूँ, चकाचक एकदम। अरे आप अपना बायोडाटा क्यों देने लग गए? इन्होंने कौन सी जॉब देनी है आपको? देंगे भी कैसे, क्योंकि तेरे सारे फॉलोअर्स तो इतना वेले होते हैं। हाँ बिल्कुल वेले होंगे इसी तरह। यार दीदी मैं लाइव हूँ, मुझे एंबैरस करना बंद करो। ओके सॉरी, हो गया पापा? हाँ यार। और ये है मेरी चाची जी, जो कि काफी क्यूट है। वैसे क्या है ना, आज ये ज्यादा बोल रही नहीं है क्योंकि ये थोड़ी वीक है। एक्चुअली ना इनका ना आज है ना व्रत है, तो सुबह 5 बजे से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया ना। लड्डू? सॉरी गाइस, एक क्राइम आ गया, उसको सॉल्व करने के लिए मुझे लाइव सेशन इधर ही एंड करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी। वो
अरे इनका शुगर बढ़ा हुआ है ना, तो मैं ये सब छुपाने लेके जा रही थी, ये स्टील करके खा लेते हैं ना। एक मिनट, चकाचक एकदम हद, बस तुमने रखा है, सुबह से भूखा मैं हूँ और इतना मुश्किल कर रही तुम। अब अभी क्यों कह रहे हैं चाचा जी, वैसे भी ये दो लड्डू खटले थोड़ी आप ही के लिए लेके जा रही थी ना। वही तो, आई मीनिंग व्रत टूटने के बाद। भाई अच्छा ओके, मैं जाती हूँ, बाय 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 बाय। मम्मी शाम को लेट होगा, मुझे अगस्त्य को पिक करने जाना है एयरपोर्ट। पाखी हैज अ डेट। बहन एक लड़का और लड़की हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। अगस्त्य और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, समझी? बेस्ट फ्रेंड्स। अरे नाश्ता तो ठीक से कर दीजिए यार। मम्मा आई होप आप दोनों को ये वेडिंग वेन्यू पसंद आया। पाखी सॉरी आई नो ये लास्ट मिनट है बट कैन वी जस्ट चेंज द लोकेशन। एक्चुअली वानी और मेरी फर्स्ट डेट एक हॉरर मूवी थी, सो उस मेमोरी को फ्रेश रखने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी शादी भी यू नो पुरानी सी हॉन्टेड हवेली में हो। ऐसे कैसे शॉर्ट नोटिस पे वेन्यू चेंज कर सकते हैं? प्लीज ट्राई ना। या नहीं, और यहां पे तो कहीं पे हवेली भी नहीं है। सॉरी हो जाएगा। ग्रेट। या एक्सक्यूज मी प्लीज। या श्योर। क्यों कह रही है और तूने कहां से लाएंगे हवेली? अरे बाबा चिल कर, यूनिवर्स ने अभी अभी मुझसे कहा है कि बाकी ले ले हवेली तेरी। मींस हीरा कोठी। मंदिरा सिंह जो राजघराने की प्रिंसेस है, मेरी कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी दोस्त है बाबा, मैं उससे बात कर लूंगी एंड आई एम श्योर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट बाकी चिल, यूनिवर्स इज विद मी। मेरे पास एक लोकेशन है आप दोनों को दिखाने के, चलिए मैं आपको अभी दिखाती हूं। आप उधर कहां जा रही है? इधर चलते ना साथ में कार में। ओके चलिए। क्या अमेजिंग प्लेस है, यहाँ पे भी सही अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना? ये हवेली काफी सालों से बंद है, राजघराने से कोई आता नहीं क्या यहाँ पे? राजकुमारी की इतनी दर्दनाक मौत हुई थी, उसके बाद हवेली में कोई नहीं आया। क्या हुआ था राजकुमारी के साथ? राजा मानवेंद्र राजकुमारी मनोरमा को करतारपुर से जबरदस्ती उठा ले आए थे।
वो भी जिद्दी थीं। काल कोठरी में घुट घुट कर मर गईं, लेकिन राजा जी से शादी नहीं की। I swear, अगर उस जमाने में मीटू होता ना, तो इन राजाओं की तो बैंड बच जाती। हर पूर्णिमा की रात को हवेली में राजकुमारी की आहट सुनाई देती है। से डर लग रहा है? तुझसे नहीं डरती मैं, भूत से क्या डरूंगी। क्या सड़ी हुई रहती है तू, थोड़ा सा चिल कर। वैसे भी इतना भाव देने वाला लड़का मिलेगा नहीं। ए हेलो, मैं सड़ी हुई नहीं रहती, ओके? अच्छा, मुझे तो ऐसे ही लगा था। अच्छा, तो अब देख मॉडल वाला पोज। फिर तो यहाँ पूर्णिमा की रात को ही आना चाहिए ना। आज पूर्णिमा की ही रात है। यहाँ से जल्दी चलो, शाम होने से पहले मुझे हवेली बंद करनी है। जी ठीक है, तुम दोनों को ये हवेली चलेगी? दौड़ेगी। ग्रेट, फिर तो सोचो कि तुम दोनों की शादी इसी हवेली में होगी। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। मैम, डेकोरेशन का क्या करना है? अब वो सब ऑफिस में डिस्कस करते हैं। ओके। हाँ, तानिया कहाँ गई? तानिया, तू इधर कैसे पहुंच गई? देखना यार, मोबाइल को नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। क्या हो गया? क्लाइंट्स को पसंद आया? अरे उन्हें तो बहुत पसंद आया, सब कुछ फिक्स है। टोल्ड यू। तो चले। चल चल। सुना सुना, अब तू ना मेरा बैग लेके जा, मुझे एक दो फोटोज क्लिक करनी है। और तो मैं आती हूँ ना, तू जा आगे। अच्छा, आ रही हूँ एक दो फोटो। ठीक है, पर जल्दी आना। हाँ। एक बात बता, वेन्यू फाइनल हो गया क्या? पसंद तो आई है हवेली, देखते अभी। ओके, लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। डैड का मैसेज है, पंडित जी घर आ गए, हम लोग चले। पाखी कहाँ है? पाखी पीछे वाली कार में होगी ना। पाखी उस कार में बैठ गई होगी ना। अरे तो उसको छोड़कर थोड़ी ना जाएंगे। क्या तू भी भाई, तू चल। हवेली तो अच्छी है, पर डेकोरेट करने में नानी याद आने वाली है।
What nonsense? ये कहाँ गई? उन टेल में ये लोग मुझे अकेला छोड़ के चले गए यहाँ पे। फोन भी बैग के अंदर है जो तानिया को मैंने दे दिया था। हवेली वाले चाचा, कोई है? हेलो, हेलो, कोई है? हेल्प, हेल्प मी प्लीज। हेलो, वॉचमैन अंकल, मैं अंदर फंस गई हूँ। कोई है? मुझे निकालो यहाँ से। हेलो, वॉचमैन अंकल, क्या करूं? अंधेरा भी होने वाला है। लेकिन बाकी तो तुम्हारे साथ थी ना बेटा, तुमने उसे अकेला कैसे छोड़ दिया? आंटी, मुझे लगा कि वो दूसरी कार में बैठ गई। लगा? वाह, एयरपोर्ट जाने वाली थी वो। आंटी, बाकी का फोन इस बैग में। हा? तुम टेंशन मत लो, एक काम करते हैं, एयरपोर्ट चलें, हो सकता है वहां मिल जाए। राजकुमारी की इतनी दर्दनाक मौत हुई थी, उसके बाद हवेली में कोई नहीं आया। हवेली में राजकुमारी की आहट सुनाई देती है। आज पूर्णिमा की ही रात है। आज ही पूर्णिमा की रात है और आज ही मैं यहाँ फंस गई। ये सब क्या हो रहा है? चिंता मत कर बाकी, यूनिवर्स तेरी मदद के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजेगा। बैठ तो तू हार गया ब्रो, पहुंच गया हूं मैं हवेली में। और फैंटेसी पूरी होने वाली है मेरी, फुल मून नाइट पे एक भूतनी के साथ रोमांटिक डेट। ब्रो इमेजिन कर, अगर इस भूतनी ने मुझे कोई शराब वराब दे दिया और मैं हर फुल मून नाइट पे भेड़िया बनने लग गया तो। पर यार इतना हार्ड टू गेट क्यों प्ले कर रही है? तू तो बड़ा कह रहा था। चांदनी रात को ठीक 12 बजे पुरानी हवेली का दरवाजा खुलेगा, दूर से पायल की छमछम आवाज सुनाई देगी। हेलो, 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 बचपन अंकल ने कहा था कि शाम के बाद हवेली पे कोई नहीं आता है। Fight the fear, ईशान, fight the fear, जीतो अपने डर से। ये भूत वूत कुछ भी नहीं होते हैं, ये बस एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से दिल 72 की जगह 120 की स्पीड पर धड़क रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं पूरी रात यहाँ नहीं रुक सकती। जो भी भूत भूत है, हिम्मत है तो सामने आओ ना, डरता नहीं हूं मैं तुमसे। come on, fight me. लास्ट टाइम एयरपोर्ट पे लेने आई थी तो जिद कर रही थी कि पहले मुझ पर कोई शेर बना के सुना। अभी के अभी वो नमाज नहीं हटेगा,
छल्ली। दोस्ती और मोहब्बत के बीच की लकीर मिट जाती है, वो आदमी शायर बन ही जाता है। बेचैन को तब आएगा करार, होगा जब आसमान में चांद और होठों पे इजहार। भर के बाहों में तेरे गेसु सवारेंगे हम, जुगनुओं के नूर से तेरी नजरें उतारेंगे हम। कौन हो तुम? एक मिनट, तुम हवेली के अंदर कैसे आए? मैं तो दीवार से कूदकर। नहीं, पक्का चोर हो तुम। देखो मेरी साइज पे नहीं जाना, बहुत खतरनाक हूँ मैं। और हाँ, जिस हवेली में तुम चोरी करने आओ ना, ये मेरी दोस्त की हवेली है, उसे बोलकर ना अरेस्ट करवा दूंगी तुम्हें। देखो तुम ना, मेरे पास नहीं आना। तो दूर रह के बात करो। मैं कह रही हूं, चोर किसको बोल रही हो? चोर किसको? तुम्हें। और तुम्हें मैं चोर लगता हूं? मैंने बोला ना, अरे मेरे पास नहीं आना। क्या? अरे लग जाएगी। तो मैंने कहा तुम डंडा छोड़ो, छोड़ जाएगी। हदे यार, चोर नहीं हूं मैं, डॉक्टर हूं। ईशान नाम है मेरा। ईशान नाम का तुमने कभी कोई चोर देखा है? चोरों के नाम कैसे होते हैं? बंटी, बबली, कालिया, राका, ऐसे नाम होते हैं। मेरे फ्रेंड के साथ मेरी बैठ लगी थी कि मैं पूर्णिमा की रात इस हवेली में गुजार कर दिखाऊंगा, इसलिए आया था मैं। अच्छा तो तुम डॉक्टर? हाँ हाँ। और मेरा तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, वो भी चांद के ऊपर। देखो मुझे मत सिखाओ, अच्छे से जानती हूँ मैं कि डॉक्टर जैसे आधी रात को बाहर नहीं घूमते, वो हॉस्पिटल में होते हैं। और तो और डॉक्टर अपने दोस्तों के कहने में आकर ऐसे बेड जैसी बच्चों वाली हरकतें तो बिल्कुल नहीं करते। क्या है ये? डॉक्टर ईशान टंडन, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट। मतलब तुम उन बच्चों को ट्रीट करते हो जिन्हें कैंसर होता है। मुझे समझ में नहीं आता, लोग मेरा कार्ड देख के इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं? यू नो, बच्चों को 6 साल की जिंदगी मिले या 6 महीने की, बचपन हैप्पी होना चाहिए। और मेरा फंडा क्लियर है कि जब तक मैं खुद खुश नहीं रहूंगा, तब तक अपने वो छोटे से चंटरों पंटरों के फेस में स्माइल कैसे लेके आऊंगा। सो नाउ यू नो,
मेरे पास तो बच्चों जैसी हरकत करने का लाइसेंस है, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची? What's your excuse? How stupid! कौन ऐसे अपना फोन बैग में रख के अपने असिस्टेंट को देता है? लेकिन तुम्हारा फोन तो तुम्हारे पास है ना, असिस्टेंट के पास नहीं? ऑफर नहीं दे सकते थे? That's my phone, yeah. I just need to make a call. No. अगस्त्य को तो पहुंच गया होगा. राजकुमारी का हेल्दी मिडनाइट स्नैक बनना है क्या तुम्हें? अरे क्या नाम था तुम्हारा? राखी? पाखी? दादी माँ का फिर से फोन आया था. तुम चलो, मैं आया. ये बाकी कहाँ रह गई? वो तो कभी लेट नहीं होती. कौन है? होप पाखी ठीक हो. आई हैव टू फाइंड आउट.